गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरेज फूडी, आपका होस्ट अरमान खान। सो गाइस मेरा प्लान माहिम में सहरी और इफ्तार का था। लास्ट टाइम मैं सहरी के लिए गया था और आज मैं इफ्तार के लिए गया था, पर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे। सो हम आज आए हैं मरोल में इफ्तार करने। तो आज रमज़ान सीरीज 2022 का फाइनल ब्लॉग है। तो आप देख सकते हैं हमने कैफे मरोल में आए हैं और कैफ़े मरोल में हमने कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए, पर कैफ़े मरोल का ये डिसएडवांटेज है कि आप कैफ़े मरोल में आप बैठ के डाइनिंग सर्विस नहीं है। तो अभी हम हमदान जा रहे हैं, हमदान में मेन कोर्स खाएंगे और हमदान में ही कैफ़े मरोल का स्टार्टर्स भी खाएंगे और उस पर हम रिव्यू देंगे। सो गाइस एज यू देख रहे हैं कि कैफ़े मरोल में हमने स्टार्टर्स ऑर्डर किए और थैंक्स टू कैफ़े हमदान, उन्होंने हमें स्पेस दी है इफ्तारी करने का। हम इंशाल्लाह उनके लिए दुआ करेंगे, जजाक इंशाल्लाह कि उनके बिज़नेस में रहमत बरकत होए और मैं उनको दिल से जजाक अल्लाह बोलता हूँ। तो उन्होंने स्पेस दिए। तो ये देखो कैफ़े मरोल से हमने कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए, आप देख सकते हो। ये है चिकन ट्रेड, चिकन ट्रेड। अब इसको टेस्ट करेंगे, अब उस पर रिव्यू देंगे। थोड़ा स्पाइसी है, थोड़ा क्रंची है, पर अच्छा है। ये है मटन समोसा फ्रॉम द कैफ मरोल। क्रिस्पी मटन है इसमें और इसमें ओवरऑल बहुत अच्छा टेस्ट है। चिकन सेजवान रोल, डिसेंट है। नॉर्मली आप देख सकते हो इसमें चाइनीज सेजवान और गाजर मिला हुआ है और चिकन बहुत नाते बराबर है, बस एक रेसिपी है। तो इट्स नॉट दैट हाईली फैंसी ऑप्शन। मेरा सजेशन है कि आप मत ही लो फॉर दिस आइटम। बाकी तीन आइटम इज गुड। नेक्स्ट इज चिकन सीख कबाब। ये डिलीशियस है, आप देख सकते हो चिकन बहुत सॉफ्ट है, डिलीशियस है और सीख दिखने में भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल प्रेजेंटेशन और टेस्ट इसका बहुत ब्रिलियंट है। चिकन कटलेट, नाउ लेट्स टेस्ट दिस। मस्त है, रशियन कटलेट नहीं है ये, थोड़ा डिफरेंट टाइप का कटलेट है, बट ओवरऑल इट्स वेरी गुड। आप ये भी ट्राई कर सकते हो फ्रॉम दैट आउटलेट, पार्सल लेना है तो। चिकन काबी, ये भी अच्छा है। अगर इनके इफ्तार के स्टार्टर्स की बात करूँ तो इनका ऑलमोस्ट 95% इज़ गुड। खाली इनका मेरे को एक आइटम है जो मेरे को सूट नहीं लगा, वो है ये चिकन सेजवान रोल। ये बस नाम से आपको लगेगा कि ये थोड़ा बेटर है, बट ओवरऑल इट्स नॉट दैट टेम्पटिंग। अगर आप टेस्ट करोगे तो मेरा सजेशन ये है, इसको छोड़ के आप बाकी चीज़ ऑर्डर करो तो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। अभी कैफ़े हमदान से तो मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, शोरमा यहाँ पर मैं हमेशा शोरमा खाया हूँ। व्यूअर्स और इनके जो मैनेजर्स एंड ओनर्स हैं उन्होंने मुझे बोले कि आप हमारा मेन कोर्स ट्राई कीजिए। तो कैफ़े हमदान मेरा दिल का रेस्टोरेंट है, इसलिए हम इधर आए हैं इफ्तार करने और यहाँ पे हम मेन कोर्स खाएंगे और उस पर रिव्यू देंगे कि मेरा दिल के होटल कैसे बनाता है ये मेन कोर्स एंड रोटी एंड नान। सो गाइस अभी हमने ऑर्डर किए हैं मुर्ग मुसल्लम और बटर नान। सो हमदान वाले बोले कि चलो खाते हैं मेन कोर्स, उनको भी मैंने प्रॉमिस किया था। बहुत से व्यूअर्स भी बोले हमदान आया तो मेन कोर्स क्यों नहीं खाए। सो अभी हम ये आए बटर नान एंड मुर्ग मुसल्लम। मैं मुर्ग मुसल्लम एक ही आउटलेट का खाया हूँ जो अंधेरी में है, लेकिन उसके अलावा मैं लाइफ में कभी मैं दूसरे आउटलेट का कभी नहीं खाया हूँ। सो हम लोग यहाँ का मुर्ग मुसल्लम ट्राई करेंगे और ये अज्यूम मत करना कि ये चीज़ है, ये जो डेकोरेटेड चीज़ है ये एग को ग्रेट किया है, वो एग है जो चीज़ की तरह दिखता है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना व्यूअर्स। सो आई विल ट्राई द मुर्ग मुसल्लम।
अच्छा है, इट्स नॉट दैट स्पाइसी। ये बहुत डिफरेंट टाइप का मुरमुसलम है, थोड़ा चिकन अफगानी टाइप्स मुरमुसलम है, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी है। अगर आप मीडियम तीखा या थोड़ा तीखा खाना चाहते हो तो ये मुरमुसलम बहुत अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम द कैफ़े हमदान। आप देख सकते हैं, आप चिकन के साथ ट्राई करते हैं, मे बी चिकन के साथ और बेटर लगे। ये मतलब अलग ही टाइप का मुरमुसलम, मतलब मज़ा आ गया। एज आई सेड, इसका विद चिकन 100 टाइम्स टेस्ट बेटर है। नॉर्मली भी अच्छा है, थोड़ा टेस्टी है, तीखापन आ रहा है, पर चिकन के साथ आपको और टेस्ट आएगा। तो अगर आप मुरमुसलम खा रहे हो तो थोड़ा सा चिकन तोड़िए, सालन के साथ मिलाइए और खाइए, फुल टेस्टी। सो गाइज, अभी हमने एक और चीज़ ऑर्डर की है, चिकन तवा, तो उस पर भी हम रिव्यू देंगे। गाइज अभी आप देख सकते हो, ये चिकन तवा, ये नहीं, ये मुरमुसलम जो खा चुके हैं, ये चिकन तवा है। तो चिकन तवा मीडियम स्पाइसी ग्रेवी है। इनके ओनर्स ने मेरे को रिकमेंडेशन दिया कि आप चिकन तवा ट्राई कीजिए, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है, मीडियम खाना है। तो विदाउट स्पाइसी वालों के लिए भी मैंने ऑप्शन दिया हूँ, मीडियम चिकन तवा, और ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये बहुत बेटर बजट का है। देख सकते चिकन विद देयर ग्रेवी, वाओ, ये ज्यादा बेटर है, वाओ, तो मानना पड़ेगा, ये मुझे लगता है इनका स्पेशल आइटम है। आप देख सकते हो चिकन तवा जो है ये मीडियम स्पाइसी है और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट आ रहा है। आप इसका टेस्ट एग्जैक्टली गेस नहीं कर सकते, पर ओवरऑल खाने लायक है, बहुत टेस्टी है। और ऊपर से ये बटर नान तो हुआ, लाज हुआ, आप देख सकते हैं, अच्छा है, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। मतलब ये ना ही बटर चिकन और ना ही मुरमुसलम जैसा एकदम तीखा, ये थोड़ा बीच के लेवल का है, बट ओवरऑल ये हद से ज़्यादा टेम्पटिंग ऑप्शन है। और आपको बता दूँ व्यूअर्स, ये उतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो आप दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ दो तीन भी ऑर्डर करोगे तो आपका उतना बजट अफेक्ट नहीं करेगा। ये आई थिंक सो इट्स अराउंड, एक सेकेंड, मैंने मेन्यू में देखा हूँ व्यूअर्स, ये जो चिकन तवा है, एक सेकेंड व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 200 रुपीज का है बोनलेस, ऑलमोस्ट 200 रुपीज का, 200 रुपीज का फुल। तो आपको और क्या चाहिए व्यूअर्स, ये इससे बेटर आपको टेस्टी नहीं मिलेगा। आई थिंक सो बड़े बड़े होटल भी, बड़े मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट 300, 400, 500 में बेच रहे और क्वांटिटी भी कम दे रहे, कभी ये है, पर ये 200 रुपये में आपको बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट टेस्ट। तो मेरा रिकमेंडेशन व्यूअर्स ये है, आप हमदान में दो चीज़ खाइए। आपने अगर मेरा पुराना वीडियो देखे हो तो शोरमा और चिकन तवा खाइए। सो व्यूअर्स, टिल द टाइम आई एंजॉय द फूड, आई एम एंडिंग द रमज़ान सीरीज 2022। सो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, रमज़ान सीरीज ख़त्म कर रहा हूँ, ये लास्ट वीडियो है। अब अगला वीडियो ईद में बनेगा, ईद व्लॉग्स। सो ईद में थोड़ा डिफरेंट टाइप का वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और ईद में अच्छा आएगा। और ऊपर से आप मेरा प्लीज़ रमज़ान सीरीज 2022 व्लॉग्स देखिए, क्योंकि ये जो व्लॉग्स मैं जो बनाया हूँ ये मैं अगले साल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मेरा एम है कि मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट करूँ, और मेरा इट्स माई ड्यूटी टू गिव यू अ बेस्ट कंटेंट। सो टिल द टाइम आई एम एन्जॉइंग माई फूड, यू इन्जॉय माई कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।